उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलकारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। 17 दिनों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मजदूरों को बाहर निकाला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टनल से बाहर आए 41 मजदूरों से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने वाले जवानों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल पेश की है। पीएम मोदी ने कहा कि आप लोगों के बाहर आने पर मैं कितना खुश हूँ, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। आपने इतने दिन बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला अफजाई किया। पीएम ने कहा कि टनल के अंदर पाइप से चीज़ें भेजी गई, रोशनी, ऑक्सीजन से लेकर खाने पीने की तमाम चीज़ें थी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम है आपका? शबामत बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब सकुशल आप लोग आए हैं। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई, बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू-तू में हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है, लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं।